हेलो दोस्तों, एक बार फिर से न्यू वीडियो में स्वागत है। दोस्तों आज हम देखेंगे निफ्टी 50 में कौन सा स्टॉक शामिल है जिसमें गिरावट होता है, तो हमें निफ्टी 50 में काफ़ी ज़ोरदार तरीके से गिरावट देखने को मिलता है। दोस्तों आज निफ्टी 50 के स्टॉक का लिस्ट देखेंगे और उसका वेटेज देखेंगे और उसका सेक्टर देखेंगे, किस सेक्टर से कौन सा स्टॉक है और उसका वेटेज कितना है निफ्टी 50 में। तो चलिए आज सारा इसका लिस्ट हम देखते हैं। दोस्तों वीडियो से पहले एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरा जो भी वीडियो आएगा नेक्स्ट उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो सबसे इसका पहला लिस्ट जो आ रहा है यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्री का, जो कि यहाँ पे दोस्तों पेट्रोलियम प्रोडक्ट से रिलेटेड इसका सेक्टर है। इसका वेटेज की बात करें तो यहाँ पे 11% से इसका वेटेज हमें देखने को मिल रहा है। और दोस्तों दूसरा जो स्टॉक यहाँ पे SDFC है जो कि बैंकिंग सेक्टर से है और दोस्तों इसका वेटेज 8% से अबव का है। और दोस्तों इन्फोसिस जो कि सॉफ्टवेयर से IT सेक्टर से है और दोस्तों इसका वेटेज 6% से अबव का है। और दोस्तों SDFC जो कि यहाँ पे फाइनेंस सेक्टर से और इसका वेटेज यहाँ पे रफली 6% के आसपास का हमें देखने को मिल रहा है। और दोस्तों बात करेंगे ICC बैंक का तो यहाँ पे रफली हमें 8% का इसका वेटेज है दोस्तों। और दोस्तों बात करेंगे TCS का तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर से रिलेटेड सेक्टर और दोस्तों इसका 4% से एवप का वेटेज हमें देखने को मिल रहा है। और दोस्तों यहाँ पे कोटक बैंक जो कि यहाँ पे 3% से एवप का इसका वेटेज है। और दोस्तों HUL की बात करेंगे तो यहाँ पे कंज्यूमर प्रोडक्ट से रिलेटेड इसका सेक्टर है और इसका 3% से एवप का वेटेज यहाँ पे है। और दोस्तों यहाँ पे देख तो एक्सिस बैंक जो कि बैंकिंग सेक्टर से है और दोस्तों यहाँ पे रफली 3% का वेटेज है। और दोस्तों बात करेंगे LT का तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट से रिलेटेड इसका सेक्टर है और यहाँ पे 3% का इसका वेटेज हमें देखने को मिल रहा है। और दोस्तों यहाँ पे ITC की बात करेंगे तो यहाँ पे ITC कंज्यूमर ड्यूरेबल प्रोडक्ट से रिलेटेड इसका सेक्टर है और दोस्तों इसका 3% से एवव का यहाँ पे वेटेज का फिगर है। और दोस्तों यहाँ पे SBI की बात करेंगे तो SBI बैंकिंग से सेक्टर है और दोस्तों यहाँ पे रफली 3% के आसपास का इसका भी हमें वेटेज देखने को मिल रहा है। और दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो बजाज फाइनेंस जो कि यहाँ पे फाइनेंस सेक्टर से रफली यहाँ पे 2% से एबव का वेटेज देखने को मिल रहा है। और दोस्तों एशियन पेंट जो कि कंज्यूमर ड्यूरेबल से है और इसका वेटेज रफली 1% से एबव का है। और दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो यानी कि एयरटेल जो कि भारतीय एयरटेल है जो कि यहाँ पे टेली कम्युनिकेशन सेक्टर से है और यहाँ पे वेटेज इसका हमें 2% से एवप का यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और बात करेंगे HCL का तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर से रिलेटेड सेक्टर है और दोस्तों 1% से एवप का इसका वेटेज है। और यहाँ पे मारुति जो कि ऑटो सेक्टर से रिलेटेड है और दोस्तों इसका वेटेज जो है 1% से एवप का हमें देखने को मिल रहा है। और दोस्तों यहाँ पे टाटा स्टील जो कि मेटल सेक्टर से है और दोस्तों यहाँ पे 1% से एवप का इसका वेटेज है। और दोस्तों बीप्रो जो कि सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है सेक्टर इसका और इसका रफली 1% से निचले असर का इसका वेटेज हमें देखने को मिल रहा है। और दोस्तों अल्ट्रा सीमेंट जो कि सीमेंट सेक्टर से है और 1% से एवप का इसका वेटेज है। और दोस्तों MNM जो कि ऑटो सेक्टर से है जिसका वेटेज 1% से एवप है। और दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे बजाज फिनसॉ का तो यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी से रिलेटेड है सेक्टर इसका और इसका 1% से एवप का हमें वेटेज देखने को मिल रहा है। और दोस्तों बात करेंगे सन फार्मा जो कि फार्मास्यूटिकल सेक्टर है और यहाँ पे 1% से एवप का इसका वेटेज है। और दोस्तों यहाँ पे टाइटन है जो कि कंज्यूमर ड्यूरेबल प्रोडक्ट है और यहाँ पे 1% से एवप का इसका वेटेज हमें देखने को मिल रहा है। एक महिंद्रा जो कि सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है और इसका रफली 1% के आसपास का वेटेज हमें देखने को मिल रहा है। और दोस्तों डॉक्टर रेडी फार्मा से रिलेटेड इसका सेक्टर है और यहाँ पर रफली 1% के आसपास का इसका वेटेज है। और दोस्तों हम बात करेंगे यहाँ पे JSW स्टील का जो कि मेटल सेक्टर से है और 1% के आसपास का इसका वेटेज है। और दोस्तों यहाँ पे देखते हो नेस्ले का जो कि कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल प्रोडक्ट का इसका सेक्टर है और वहाँ पे 1% के आसपास का इसका हमें वेटेज देखने को मिल रहा है। इंडसइंड बैंक की बात करेंगे तो यहाँ पे 1% के आसपास का इसका वेटेज हमें देखने को मिल रहा है। और दोस्तों टाटा मोटर जो कि ऑटो सेक्टर से और यहाँ पे 1% के आसपास का इसका वेटेज हमें देखने को मिल रहा है। पावर ग्रिड जो कि पावर सेक्टर से और यहाँ पे 1% का इसका वेटेज है। और दोस्तों ग्रेसिम जो कि ग्रेसिम सीमेंट सेक्टर से है और यहाँ पे रफली 1% के आसपास का इसका वेटेज हमें देखने को मिल रहा है। SDFC लाइफ जो कि इंश्योरेंस है और 1% के आसपास का इसका वेटेज है।
डीवीएलएफ की बात करेंगे तो इसका फार्मा से रिलेटेड सेक्टर है, रफली 1% से निचले स्तर पर इसका वेटेज हमें देखने को मिल रहा है। और दोस्तों अगला जो स्टॉक है एनटीपीसी, जो कि पावर सेक्टर से है और इसका वेटेज 1% के आसपास का है। और दोस्तों हिंडालको, जो कि यहाँ पे मेटल सेक्टर से है और दोस्तों यहाँ पे रफली 1% के आसपास का हमें वेटेज देखने को मिल रहा है। बजाज ऑटो, जो कि ऑटो सेक्टर से और रफली 1% के निचले स्तर पे इसका वेटेज है। अडानी पोर्ट, जो कि ट्रांसपोर्टर से रिलेटेड इसका सेक्टर है और 1% के आसपास का इसका वेटेज है। दोस्तों सिप्ला जो कि फार्मा सेक्टर से रिलेटेड है, रफली 1% के आसपास का इसका भी वेटेज हमें देखने को मिल रहा है। टाटा कंज्यूमर, जो कि यहाँ पे कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल इसका सेक्टर है, रफली 1% के आसपास का इसका भी हमें वेटेज देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे SBI लाइफ, जो कि इंश्योरेंस से रिलेटेड है सेक्टर इसका, और रफली 1% के आसपास का इसका भी वेटेज है। एंड BPCL, जो कि यहाँ पे दोस्तों पेट्रोलियम सेक्टर है इसका, रफली यहाँ पे 0.43% का वेटेज है। और दोस्तों UPL, यहाँ पे दोस्तों इसका सेक्टर जो है पेस्टी साइड से, और यहाँ पे रफली 0.52 का यहाँ पे वेटेज हमें देखने को मिल रहा है। और दोस्तों ब्रिटानिया, जो कि कंज्यूमर एंड ड्यूरेबल प्रोडक्ट है, और दोस्तों यहाँ पे रफली 0.58 का इसका वेटेज हमें देखने को मिल रहा है। ONGC, जो कि वाइल्ड सेक्टर से है, और यहाँ पे 0.66 का वेटेज है, जो कि यहाँ पे आइचर मोटर ऑटो सेक्टर से है, और 0.58 इसका वेटेज है। दोस्तों हीरो मोटर्स की बात करेंगे तो ऑटो सेक्टर से है, और यहाँ पे 0.48 का इसका हमें वेटेज का फिगर देखने को मिल रहा है। दोस्तों अगला जो है यहाँ पे श्री सीमेंट, जो कि यहाँ पे सीमेंट सेक्टर से है, जो कि 0.30 का इसका वेटेज है। और दोस्तों यहाँ पे कोल इंडिया, जो कि मिनरल से रिलेटेड है, और यहाँ पे 0.6 का इसका वेटेज हमें देखने को मिल रहा है निफ्टी 50 में। और दोस्तों अपोलो हॉस्पिटल, जो कि फार्मा से रिलेटेड इसका सेक्टर है, और यहाँ पे 0.9 का यहाँ पे इसका वेटेज देखने को मिल रहा है। तो ये सारा जो स्टॉक है दोस्तों, इसमें अगर हमें गिरावट देखने को मिलता है तो समझो निफ्टी 50 हिल जाता है। और दोस्तों जिसके वजह से हमें लगता है कि निफ्टी 50 गिर गया, तो भाई निफ्टी 50 में स्टॉक है कौन सा, तो वो आज सारा हमने लिस्ट यहाँ पे देखा है। तो आई होप कि आप लोग को यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि निफ्टी 50 में किस सेक्टर का कौन सा स्टॉक है और उसका वेटेज कितना है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज मेरे यूट्यूब सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मेरे जो वीडियो आएगा नेक्स्ट उसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाएगा। ओके सो थैंक यू बाय।